आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर की बात करें। पोटेंशियोमीटर एक अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्म वायर को लेते हैं जो कि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की होती है। आपके मीटर ब्रिज में आपने देखा था कि एक सिंपल वायर 0 to 100 होती है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज्यादा वायर लेते हैं लंबी, ठीक है। और कंसेप्ट इसका ये रहता है कि जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ वायर होगी उतना फॉल इन पोटेंशियल आपका होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल इसका यही है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है। प्रोवाइडेड इट हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड अ कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। कितना फॉल इन पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी फॉल इन पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू होती है रो एल बाय ए। तो वी यहां से आप पुट करोगे और इसको अगर मैं के को आई रो बाय ए कर देता हूं तो हमारे पास जो वी है वो आ जाएगा के एल, ठीक है। तो दैट मीन्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये आपने प्रूव कर दिया जो आपने ऊपर स्टेटमेंट कही है कि फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। वेयर के इज इक्वल टू वी बाय एल, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रेडियंट वर्ड तब यूज किया जाता है जब आपका वेरिएशन डिस्टेंस के साथ हो। जैसे आप रेट ऑफ चेंज करते हो तो रेट ऑफ चेंज में आपका टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन जब आपका पोजिशन के साथ चेंज हो रहा हो तो उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। तो फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इसको हम पढ़ते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट पर मीटर, वो आप देख सकते हो वोल्ट पर मीटर। इसके यूजेज हम करेंगे, आपके दो यूजेज हैं पोटेंशियोमीटर के। एक तो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, आप दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, अरेंजमेंट को देखेंगे, आपके पास एक एक्सटर्नल बैटरी रहेगी। याद रखना है कि एक्सटर्नल बैटरी की वैल्यू आपकी सेल के ईएमएफ से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, अगर कम होगी तो आपको कभी भी जीरो पॉइंट या नल पॉइंट नहीं मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल बैटरी आपकी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू आपके ईएमएफ ऑफ द सेल्स। आपने क्या किया है, ए पॉइंट से एक आपने बैटरी कनेक्ट की है, मीटर लगाया गया करंट को पता करने के लिए कितना करंट फ्लो कर रहा है। रियोस्टैट आपकी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, या आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको डिवाइस दिखाया जाएगा, रियोस्टैट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक की आपने कनेक्ट किया और इसको फिर आपने दूसरे एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ए पे आपने दो सेल लगाए हैं जिनके टर्मिनल हैं 1 और 2, ईएमएफ उनका एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, और एक तीसरा कॉमन टर्मिनल है जिसके थ्रू आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और आगे आपने जॉकी को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले फर्स्ट सेल को 3 के साथ कनेक्ट करेंगे, 1 और 3 को आप कनेक्ट करोगे। जब 1 और 3 को कनेक्ट करोगे फिर आप जॉकी को स्लाइड करोगे, जॉकी स्लाइड करोगे, मान लो J1 पे आपने जीरो डिफ्लेक्शन आपको मिल रही है। J1 को हम L1 लेंथ मान लेते हैं कि टोटल लेंथ जो यहां से लेके यहां तक है, जैसे इसके केस में 200 कुछ होगी, 200 समथिंग हो सकती है, तो J1 मतलब उसको हमने L1 मान लिया। तो L1 पे आपकी जीरो डिफ्लेक्शन आई, ठीक है। तो दैट मीन्स L1 पे जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, L1 पे जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि जो यहां से लेके ये पूरी वायर का यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल होगा वो आपके सेल के पोटेंशियल के बराबर होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपका जो पोटेंशियल है वो कब करंट फ्लो कब जीरो होता है, जब दोनों तरफ का पोटेंशियल कैसा हो जाए, सेम हो जाए। तो दैट मींस जो ईएमएफ ऑफ सेल है और जो यहां पे लेंथ है आपकी एल, उसके बीच में जो पोटेंशियल होगा दोनों तरफ का सेम होगा, तो आपका गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्शन देगा, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब सेल के अक्रॉस ईएमएफ और फॉल इन पोटेंशियल आपका कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू के एल वन, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल और जो फॉल इन पोटेंशियल है वो दोनों आपस में कैसे हैं, सेम है, तो करंट फ्लो कितना हो गया, जीरो। सिमिलरली हम दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं 2 और 3 को, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो अगेन हमें कोई दूसरे पॉइंट पे जाके क्या मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, उसको हम L2 लेंथ कह देते हैं। अगेन वही बात आ गई कि एप्सिलॉन 2 का जितना ईएमएफ होगा और L2 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल फॉल करेगा वो दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। जब इक्वल होंगे तो गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्शन देगा, जीरो डिफ्लेक्शन, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि दोनों के ऊपर पोटेंशियल कैसा हो गया है, सेम हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड करो, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 के एल बाय के एल 1 बाय के एल 2,
के से के कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन वन बाय एप्सिलॉन टू से एल वन बाय। तो ये आपका रिजल्ट है, आप दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, ये भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाला है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। मैं किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, उस सेल के साथ आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स आप आर कनेक्ट कर देते हो या रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर देते हो थ्रू अ की। ठीक है, की यहां पर कनेक्ट की गई है और एक की के बाहर कनेक्ट की है, इसको मैंने के टू नाम दिया, इसको के नाम दिया है। अगेन बाहर से हमने बैटरी लगानी है, बैटरी का वही प्रोसीजर है, वैसे आपने एक पोटेंशियोमीटर के साथ उसको कनेक्ट करना है, रियोस्टेट है, एमीटर है। अब आप क्या करोगे, पहले तो आप की को ओपन रखोगे, मतलब आपने की को के इससे जोड़ा नहीं है, तो आपका जो ईएमएफ का वोल्टेज है वो आपके आर के थ्रू पास नहीं करेगा, दैट मीन्स करंट नहीं जाएगा, करंट फ्लो नहीं करता है, तो हम उसको ईएमएफ कहते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो जीरो हो तो उसको क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ जब आपने नहीं कनेक्ट किया तो हम कहते हैं कि जैसे आपने इसको स्टार्ट किया पोटेंशियोमीटर को और जॉकी को स्लाइड किया, तो हम कहते हैं कि जे वन पे वो क्या देगा, आपको नल पॉइंट देगा, जीरो पॉइंट। ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन देगा, दैट मीन्स एल वन लेंथ पे आपका एप्सिलॉन क्या हो रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, एल वन लेंथ पे जितना फॉल इन पोटेंशियल है उतना ही आपका ईएमएफ का, मतलब सॉरी इस सेल का ईएमएफ है। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे, एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू के एल वन। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, ये के टू कनेक्ट कर देते हैं, ये आपने कनेक्ट कर दिया तो यहां से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, आपने सेल से करंट ले लिया, जब करंट लिया तो इसका ईएमएफ गिर जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी आपके सेल से करंट ड्रॉ होगा तो आपका ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में आपका जो पोटेंशियल है वो कम हो गया, इसीलिए आप ध्यान से देखोगे तो आपका जे टू भी पीछे चला जाएगा। यहां से लेंथ मेजर की जाती है, ये 100 होगी, यहां तक 100 समथिंग हुआ। ठीक है, और पहले केस में ये कितना था, 200 समथिंग, तो आपका L1 ज्यादा है, L2 आपका थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो L2 कम आ रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि EMF कम हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया क्योंकि आपने थोड़ा सा करंट उससे ड्रॉ कर लिया। तो J2 पे आपकी क्या आ जाएगी, जीरो डिफ्लेक्शन आ गई, मान लो एज्यूम कर लेते हैं जिसको हम L2 लेंथ मान लेते हैं, तो L2 लेंथ मान लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा V इज इक्वल टू के एल टू वी। ठीक है, एप्सिलॉन को किस में चेंज कर दिया आपने, V में, और L2 क्या होगा, लेस देन L1 होगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका फॉल इन पोटेंशियल भी कम होना चाहिए तभी वो बैलेंस करेगा। ठीक है, अब आपने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन आ गई। फिर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का आर्टिकल पहले किया था, वो था एप्सिलॉन ओवर वी माइनस वन इंटू आर, तो यहां पे एप्सिलॉन ओवर वी की जगह क्या कर दोगे, एल वन बाय एल टू। तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, और आप पोटेंशियोमीटर के हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल आपके लिए दे रहा हूं, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 35 एट 35 सेंटीमीटर। एक और सेल लगाया गया जिसका बैलेंस पॉइंट 63 सेंटीमीटर है, तो आपने इन दोनों जो सेकंड सेल है उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको पता है कैसे कंपेयर करते हैं टू सेल का ईएमएफ, इसमें सेंटीमीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने एज इट इज ही लेना है और इसका रिजल्ट आना चाहिए 2.25 वोल्ट। ठीक है, तो इसको करके मुझे सॉल्व करके भेजना है।